अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, इमरान ख़ान ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम जो राशन देंगे घर घर जाकर देंगे, क्योंकि लोग घर से बाहर ना निकलें, हम जो राशन उन्हें पहुंचाएंगे मुकम्मल तौर पर उन्हें घर में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इमरान ख़ान ने अपना वादा पूरा कर दिया है और राशन देने का ऐलान कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको एक पूरे महीने का राशन घर ही दिया जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और देख लेना कि हमें राशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, वेबसाइट पे कैसे करनी है, एसएमएस के ज़रिए आपने कैसे करनी है। तो तमाम डिटेल आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इसी वजह से आपने इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेना है और पूरे महीने का राशन मंगवा लेना। अगर आपको ज़रूरत हो तभी आपने इस पर रजिस्ट्रेशन करनी और राशन मंगवाना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप राशन ले सकते हैं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप ये नहीं लोगे तो किसी गरीब को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको इसकी नहीं ज़रूरत तो प्लीज़ आप इसे ना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस राशन को नहीं लेना अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तभी आपने लेना है। तो फ्रेंड्स, जिस वेबसाइट पे आपने रजिस्टर करना है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डिस्क्रिप्शन का अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो के टाइटल पर सिंपली आपने क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के यहाँ पर नीचे आपके पास पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड एप्लीकेशन लिंक या फिर वेबसाइट लिंक, तो आपने उस लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर इंटर हो जाना है। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताता हूं कि आपने गूगल क्रोम से कैसे वहां पे सर्चिंग के ज़रिए आपने कैसे वेबसाइट को सर्च करना है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त था, आपसे कबीला, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मून को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल यूट्यूब चैनल टेक्निकल मून को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 1 to Z बताऊंगा कि आपने राशन कैसे मंगवाना है, मुकम्मल तौर पर आपको घर में राशन कैसे मिलेगा। तो आपने फ्रेंड्स क्रोम में जाना और यहाँ पर आपने सर्च करना है राशन.pass.government.pk। ये गवर्नमेंट की ओरिजिनल साइट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट जो है यहाँ पर एहसास राशन प्रोग्राम के नाम से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे वो पहले एहसास इमरजेंसी एहसास इमदाद की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, वो भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से इन पे भी रजिस्ट्रेशन करके अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से पैसे ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं, मुकम्मल तरीका बताया हुआ है यहाँ अपने चैनल पर। तो यहाँ पर आप वीडियो जाकर देख के भी आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी सी पहले मैं एहसास राशन प्रोग्राम के लिए मैं एक मिनट आपको बता दूं कि आपने यहाँ पर क्या करना है। कोई रजिस्ट्रेशन वैसे इस वेबसाइट में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, सिर्फ आपने राशन हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करनी। अगर आपको नहीं ज़रूरत, आपके पास इतने पैसे हैं कि हमारे पास हैं, अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें। आप एहसास राशन प्रोग्राम को भी पैसे दे सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने फिर क्या करना है, ट्रांसफ़र करने के लिए गवर्नमेंट को देने के लिए, ताकि वो गरीबों की मदद कर सकें। तो यहाँ पर आपने डोनर रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, फिर डोनर जो है लॉगिन कर लेना और यहाँ पर इनके नंबर आ जाएंगे, उनसे आपने रब्ता करके गवर्नमेंट के जो अहलकार होते हैं, जो यहाँ पर बैठे होते हैं राशन प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम के जो मेम्बर हैं, वो आपसे यहाँ पे रابطہ करेंगे और जो आपने पेमेंट करनी है वो आप उन्हें कर देना, या फिर डायरेक्ट आप किसी गरीब को यहाँ पे इस वेबसाइट पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर राशन हासिल करने का की दरख्वास्त है तो मुकम्मल मालूमात है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, पता लिखना है यहाँ पर अपना पूरा नाम और अपना जो एरिया और सब कुछ यहाँ पे पता के अंदर आपने लिख देना है कि आप किस जगह से, मुकम्मल घर की गली नंबर, मोहल्ला नंबर, जो भी आपने यहाँ पर सारा एड्रेस अपना इंटर कर देना है। उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपने यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट यानी कि कोई भी यहाँ पे जो आपका है तो आपने चूज़ कर लेना। नीचे आपने तहसील आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपने अपना तहसील यानी कि तहसील लेवल जो है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। और आपने मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर कौन सा देना जो आपके मोबाइल में और हर वक्त ऑन हो, वो आपने मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि जो डिलीवरी वाले होते हैं वो बेचारे कॉल करते हैं कि आपका घर की तरह, तो इस वजह से वो उनको ऑल डिटेल देनी होती है। यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर हर वक्त ऑनलाइन ऑन हो, वो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपका जो है राबते की मालूमात जो है वो मुकम्मल हो गया। बुनियादी मालूमात असल होती है। यहाँ पर आपने जिस नाम पे मंगवाना है मुकम्मल पूरा नाम देना है,
शनाख्ती कार्ड नंबर उसी बंदे का जिसका यहाँ पे आप नाम लिख रहे हैं, ऊपर नंबर जिसके नाम है, जिसके सिम नाम है, उसी का यहाँ पर आपने आईडी कार्ड नंबर देना है। शनाख्ती कार्ड की तारीख अजरा यानी के तारीख अजरा ये होता है कि आपका आईडी कार्ड नंबर जो है वो आईडी कार्ड किस दिन बना है वो आपने यहाँ पर डेट मंथ और 2011 जो भी आपकी है जिस दिन आपका आईडी कार्ड नंबर बना हो वो आपने देना है। क्योंकि ये यहाँ पर जो ये डिटेल है ये नादरा से वेरिफिकेशन हो के ही आपको पेमेंट मिलेगी, और यानी कि जो आपको राशन मिलना है वो आपको नादरा से रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा। तो इस वजह से ये यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर और डेट ऑफ इजरा यानी तारीख इजरा आपको तमाम यहाँ पर चीज़ें पुट करनी पड़ेंगी। इसलिए तो यहाँ पर ख़ानदान के अफराद की तादाद यहाँ पर 10 तो आप लिख नहीं सकते, 1 to 9 यानी 1 से 9 है अगर, तो इसके दरमियान में जितने भी हैं आपके घर के मेम्बर, एक फैमिली जो होती है उसके मेंबर यानी 7 हैं, तो 7 लिख देने हैं आपने, जितने भी आपने यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर दरख्वास्त जमा करवा देनी है। आपके पास कोई मैसेज कोई कॉल कुछ भी नहीं है उसी फ़ौरन आएगी तो आपको बस बता दिया जाएगा कि आपकी दरख्वास्त जमा हो चुकी है। तो फ्रेंड नीचे एक छोटी सी डिटेल मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर, वो आपके लिए ज़रूरी है थोड़ी। अगर आपको दरख्वास्त जमा कराने के बाद 4 दिन तक राशन वसूल नहीं होता तो आप 4471 पर SMS करके हमें मतला कर सकते हैं। यानी कि अगर 4 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ से राशन नहीं मिलता, आपके घर नहीं पहुँचता, तो आप यहाँ पे 4471 पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपने कैसे करना है सेंड, यहाँ पर आपने 4471 लिखना है, आपने मैन वूमेन, मैं आपको सारा यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे डिटेल में आपने मैसेज लिखना है। आपने फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर आपने मैसेज में आना है, यहाँ पर आपने 4471 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप मैन है या वूमेन, तो आपने यहाँ पर वो कंप्लीट उन्होंने यहाँ पर बताया भी हुआ है, ये देखें मैन वूमेन, तो आपने यहाँ पर मैन है तो मैन लिखना है, ठीक है, एम ई लिख दें सिर्फ। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, जैसे आपका जो भी नाम है आपने वो लिखना है यहाँ पर। फिर आपने क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है कि आप कहाँ से हैं, यानी कि आप जिस जगह से भी हैं तो आपने यहाँ पर एड्रेस लिखना है। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर लिखना है, आपने आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, आपने फ़ोन नंबर लिखना है, जो आपका फ़ोन नंबर जो आपके नाम है और आपके मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में है वो आपने यहाँ पर कोई भी जो आपका मोबाइल नंबर है वो लिखना और सेंड कर देना है। तो आपके पास कुछ देर में मैसेज आ जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर कि आपके राशन की जो रजिस्ट्रेशन हुई है और आपका राशन जिस जगह पे पहुंच गया वो आपको तमाम डिटेल बता देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।